हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी अर्थक्वेक के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो आज का टॉपिक है अर्थक्वेक। ठीक है, अब ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो होते हैं, तो हम उनमें क्या प्रिवेंशन लेते हैं, हम क्या ऐसा करें जिनसे हम बच सकते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज बात करेंगे अर्थक्वेक की। जैसे कि बहुत सभी ने सुना होगा, यहाँ भूकंप आ गया, वहाँ भूकंप आ गया। तो भूकंप जो है वो क्यों आता है, सबसे पहली बात तो, और अगर आ जाता है तो हम कैसे खुद को प्रिवेंट करें, मतलब कैसे खुद को बचाएं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो अब बात है नेचुरल डिज़ास्टर की, तो ये तो हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। ठीक है, और हम ये भी नहीं समझ सकते कि जैसे कि अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो वो कितना तेज़ हो सकता है ना। तो ये तो आप जानते ही हैं, जो अर्थक्वेक है अगर वो आता है, अगर तेज़ झटके आते हैं भूकंप के, तो वो प्रॉपर्टी तो डैमेज करता ही है, साथ ही ह्यूमंस यानी पीपल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं, कई लोगों की। और ये जो होता है, कंडीशन सिचुएशन बड़ी ही भयंकर बना देता है जब अर्थक्वेक आता है, तो है ना। तो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें अगर ऐसी सिचुएशन में हम हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थक्वेक आता कैसे है और क्यों आता है। अब अर्थक्वेक कैसे होता है, क्या होता है, जैसे एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है बिल्कुल एक ही सरफेस का, सिमिलर सरफेस का। अब क्या हुआ, सेस्मिक रेज जो रहती है, सेस्मिक वेव्स जिन्हें बोलते हैं, उनके वजह से एक इलास्टिक स्ट्रेन जनरेट होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, झटके फील होते हैं। ठीक है, और लैंड जो है वो थोड़ा सा नीचे धसक जाता है उससे। ठीक है, तो जब वो वाइब्रेशंस होते हैं, जो नीचे लैंड जो है एक सिमिलर से दूसरी पोजीशन चेंज करता है, तो क्या होता है, झटके फील होना शुरू होते हैं, और वही झटके जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं भूकंप। और जिसमें क्या होता है, कईयों बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें गिर भी जाती हैं, तो इस तरीके से ये अकर होता है। ठीक है, देखिए ये एक पिक्चर है, इसमें क्या हुआ है, लेयर्स ऑफ रॉक क्या है, पहले टुगेदर थी, फिर स्लिप हो गई, और क्या हुआ, अर्थक्वेक अकर हुआ। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे ये नॉर्मल है, ये थ्रस्ट है, और ये स्ट्राइक स्लिप है। इस तरीके से लैंड स्लिप हुआ, तब क्या हुआ, अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हुआ। ठीक है, क्या होता है, कैसे कॉज होता है, ये सडन स्लिप और फॉल्ट की वजह से ये होता है। ठीक है, क्या होता है, ज़मीन पर स्ट्रेसेस फील होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लगते हैं, तो क्या होता है, उसके आउटर लेयर पुश करती है लैंड को, तो उसका जो साइड्स हैं वो फॉल्ट टुगेदर, मतलब उन नीचे को हो जाता है, स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। ठीक है, बिल्डिंग और रॉक्स पे ये होता है, बिल्डिंग्स क्या होती है, रॉक्स पर, मतलब अर्थ पर बनी होती हैं, तो ये इफ़ेक्ट जल्दी बिल्डिंग्स पर पड़ता है। ठीक है, और जो अर्थक्वेक है उसमें क्या होता है, शेकिंग, मतलब एक ज़मीन जो है वो वाइब्रेशन से शेकिंग टाइप होती है, मतलब वाइब्रेशंस आते हैं तेज़ तेज़ वाइब्रेशंस, तो उनकी वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग्स है वो डिसबैलेंस होकर टूटना शुरू कर जाती है, क्योंकि अर्थ में स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है तब। ठीक है, तो इस वजह से अर्थक्वेक जो है वो हैपन होता है, मतलब वो आता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो होता है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक होता है, पर अब हम इनसे प्रिवेंशन कैसे लें, हम खुद को कैसे बचाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रिपरेशन की रहती है प्रिवेंशन इंजरीज़ की रिगार्डिंग, जो भी स्टेप्स और प्रिपेयरनेस वो करते हैं, प्रिपरेशन वो करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है वो हमें प्रोवाइडेड हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी हो तो हमें पॉइंट्स कुछ नोट करने चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हम क्या करें, ऐसी चीज़ों से हमें अवेयर होना चाहिए, जिससे क्या है, अगर हम ऐसी सिचुएशन में पड़ें तो हम कुछ स्टेप ले सकें। ठीक है, तो जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम होती है वो इन सब पे एक ऑब्जर्वेशन करती है, ऑब्जर्व करती है कि खुद को कैसे बचा सके, और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम करके खुद को बचा भी सकते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम खुद को बचा सकें, देखिए सबसे पहले तो यही है कि अगर आप अपनी बिल्डिंग में
ठीक है, और भूकंप अभी तेज़ी से नहीं आया है, तो आप कोशिश करें कि किसी टेबल के नीचे छुप जाए, क्योंकि वाइब्रेशंस है तो सबसे पहले घर का सामान गिरना शुरू होगा वाइब्रेशंस की वजह से, जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी टेबल के नीचे छुप जाए, ठीक है, कोशिश ना करें इधर उधर भागने की। और जब आपको लगे कि हाँ अभी ये तेज़ हो रहा है, तो आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, आपको बाय स्टेयर्स जाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, और नीचे ग्राउंड में डिस्टेंस बना के किसी बिल्डिंग के आसपास ना खड़े हो, किसी ट्री के आसपास ना खड़े हो, किसी पोल के आसपास ना खड़े हो के डिस्टेंस मेंटेन करके आप खड़े हो, ठीक है। लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, स्टेयर केसेस का यूज़ करना है, सीढ़ियों का यूज़ करना है, यानी कि ठीक है। और कहीं भी खड़े हैं आप तो ओपन एरिया पे खड़े हो, ऐसा ना हो आप बिल्डिंग के नीचे ही खड़े हो जाएं, जैसे तो वो गिरे तो आपको चोट लग सकती है। ट्री के नीचे ना खड़े हो और किसी खम्भे के पास ना खड़े हो, पोल के पास, तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी, अगर मान लीजिए अर्थक्वेक हुआ अभी वो ठीक हो गया, तो जितनी भी इंजरीज हुई हैं उन सबको तुरंत ट्रीटमेंट दें, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दें, ठीक है। अब जितना भी नुकसान हुआ है उसको आप नोट करें, ठीक है। इससे क्या होगा, इंजरी जो भी हुई है उसे हम अगर रिकवर करते हैं तो हम उस इंसान की भी जान बचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हम अर्थक्वेक जो आता है उस पर प्लान कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, ठीक है। तो इस तरीके के डिज़ास्टर्स के लिए डिज़ास्टर टीम रहती है, जो मैनेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टीम रहती है वो देखती है इसको, ठीक है। बाकी उनकी प्रिपेयर्डनेस, प्लानिंग, ये सारी हम करके रखते हैं, मिटिगेशन क्या होता है ये सब हम करके रखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले, ठीक है। तो वैसे तो सारी चीज़ें यही रहती हैं कि किसी प्लान को जनरेट करना अर्थक्वेक के लिए, तो वो यही है कि आप ये स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक के बारे में बताया कि इस तरीके से अर्थक्वेक जो है वो अकर होता है, हैपन होता है, और इस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में। सो थैंक यू।